हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हर साल लगातार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप परीक्षा में टारगेट 95+ लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आप बोर्ड परीक्षा में टारगेट 95+ पार कर सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो हर साल लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न एक है हमारा, प्रतिप्रसारण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है केमिस्ट्री में, तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना, तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलते हैं इसका उत्तर देखेंगे किस प्रकार है। उत्तर है, यदि प्रसारण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझना है और अच्छे से आपको एक जगह नोट कर लेना है, जिससे कि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। यदि प्रसारण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के जो अणु होते हैं, तो विलायक के अणु विलयन अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगता है। चूँकि यह प्रक्रिया प्रसारण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत जगह देखा, उसके बाद मैंने इतने आसान तरीके से टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। यदि प्रसारण दाब से अधिक विलयन दाब पर लगाया जाता है तो विलायक के जो अणु होते हैं वो विलयन अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रभावित होने लगता है। चूंकि यह प्रक्रिया प्रसारण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम प्रसारण कहलाती है। बस डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं आपको इसका उपयोग बताऊंगा, जो हमसे पूछा गया है इसका उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग बहुत ही आसान तरीके से लिखना है, बस आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, ठीक है। तो इसका उपयोग लिखेंगे, इस प्रक्रम का उपयोग कर प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बस ये आपको उपयोग लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से था, आपको ये पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ गया होगा। और उपयोग आपको इस प्रक्रम का जो उपयोग होता है वो समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बस ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था, बहुत ही आसान तरीके से था। आपको बस क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखेंगे, जो हर साल लगातार पूछा जाता है, कि अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बस आपको इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखना और समझना, ठीक है। आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का अमीनो NH2, जो क्षारीय प्रकृति का अमीनो हो गया वो हो गया NH2 समूह, तथा अम्लीय प्रकृति का कार्बोक्सिलिक COOH समूह। NH2 समूह होता है, COOH समूह, ठीक है, रखते हैं। जलीय माध्यम में NH2 समूह का एक जो प्रोटॉन होता है वो ग्रहण करता है, तथा COOH समूह का एक प्रोटॉन मुक्त करता है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेना है, बस आपको यह एक बार अच्छे से समझ लेना है, जो क्षारीय प्रकृति का एमिनो NH2 होता है वो एक जो प्रोटॉन होता है वो ग्रहण करता है, जबकि COOH समूह का एक प्रोटॉन मुक्त करता है। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयतन बनता है, इन दोनों के फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयतन बनता है, जिसे ज्वेटर आयन भी कहते हैं। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, ज्वेटर आयन
किसे कहते हैं, तो बस आपको एमिनो अम्ल से लेके ज्वेटर आयन कहते हैं, बस इतनी डेफिनेशन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनाता है, ठीक है। इस फिर उसके बाद लिखेंगे इस रूप में एमिनो अम्ल अम्ल तथा क्षार दोनों के समान, ठीक है, इस रूप में एमिनो अम्ल अम्ल तथा क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है, अतः यह प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। बस आपको यही डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है, व्यवहार करता है अतः यह प्रकृति में उभयधर्मी होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा किस तरीके से आपको रिएक्शन कैसे करते हैं। तो आर सी एच ये हमारा प्रोटॉन हो गया और एन एच टू हमारा एमिनो, ठीक है, और सी डबल ओ एच ये हमारा कार्बो किस लिख हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकती है, आर सी एच थ्री और एन एच थ्री एच सी डबल, ये हमारा जो बन गया वो एक बन गया द्विध्रुवीय आयतन, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि एन एच टू ने एक क्या करा, प्रोटॉन जो है वो ग्रहण करा और सी डब्ल्यू एच ने एक प्रोटॉन को मुक्त कर दिया। तो यही आपको अगर रिएक्शन अच्छे से समझ गए तो आप डेफिनेशन आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल समान इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है और आपको 2 से 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, जो आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न नंबर हमारा 3 है। द्रव्य स्नेही सॉल्व द्रव्य विरोधी सॉल्व की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, तो आपको इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लेना। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। द्रव्य स्नेही सॉल्व अत्यधिक जल योजित होते हैं तथा जल योजन के कारण यह अधिक अत्यधिक स्थिर होते हैं और सरलता से स्कंदित नहीं होते, मतलब कि सरलता से ये अलग नहीं होते हैं। इसके विपरीत द्रव्य विरोधी जो सॉल सरलता से स्कंदित हो जाते हैं, जिसके कारण ये कम स्थायी होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि इसमें पूछा क्या गया है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हमें सिर्फ उसी का जवाब देना होता है। प्रश्न नंबर 3 में है, द्रव्य स्नेही सॉल द्रव्य विरोधी सॉल की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होते हैं। तो इसका कारण आंसर में हमने आपको बताया, जो द्रव्य स्नेही सॉल होते हैं वो अत्यधिक जल योजित होते हैं तथा जल योजन के कारण ये अत्यधिक स्थिर होते हैं और सरलता से स्कंदित नहीं होते हैं। इसके विपरीत जो द्रव्य विरोधी सॉल होती है वो सरलता से स्कंदित मतलब अलग भी हो जाते हैं और जिसके कारण ये कम स्थायी होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आया, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली में भी आप अच्छे से स्कोर कर सकें। हाफ ईयरली में से ये पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए कितनी अच्छी तैयारी हो रही है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 4 में ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, हैलोजन परमाणुओं की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या कैसी होती है। बिल्कुल सेम आपको यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा गया है, हो सकता है 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये 100% पूछा जाए। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको याद करना है। आप इन सभी क्वेश्चनों को एक जगह रफ में या कहीं एक अच्छे से नोट बना के नोट कर लें, जिससे कि आपको यह बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तभी आप हाफ ईयरली हो या बोर्ड परीक्षा एग्जाम हो, आप तभी अच्छा स्कोर पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हैलोजन परमाणुओं की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या कैसी होती है। इसका आंसर आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, हैलोजन परमाणुओं की जो त्रिज्या अपने आवर्त में, ध्यान से समझना, हैलोजन परमाणुओं की त्रिज्या अपने आवर्त में अन्य तत्वों की अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसने क्या कहा, जो त्रिज्या होती है अपने आवर्त में हैलोजन परमाणुओं की, ठीक है, जो त्रिज्या होती है अपने आवर्त में ओ बाकी के मुकाबले सबसे छोटी होती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है, प्रभावी जो नाभिकीय आवेश होता है उसमें वृद्धि होती है। इस क्वेश्चन में बस आपको यही तरह लिखना, बहुत ही आसान तरीके से है, और बाकी बुक या मॉडल पेपर में बहुत अलग तरीके से समझाया गया है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा जो 5 है, वो अक्रिस्टलाइज्ड ठोस को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी स्पष्ट दीजिए। इसमें आपको उदाहरण भी पूछा गया, अक्रिस्टलाइज्ड ठोस को परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको
वैसे ही बोर्ड परीक्षा या किसी भी हाफ ईयरली एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आपको सेम वैसे ही लिख देना है, ठीक है। बस आपको अच्छे से याद करना, थोड़ी मेहनत करना। आंसर इसका लिखेंगे, वह ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। ध्यान से समझना, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात इसके कहने का मतलब है अवयवी कणों की लघु प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात अवयवी कणों की जो लघु प्रासी व्यवस्था पाई जाती है अकृष्टले ठोस कहलाते हैं, ठीक है। बस आपको डेफिनेशन यही लिखनी है, उदाहरण जो लिखना है वो आपको मैं बताऊंगा। उदाहरण जैसे कि होता है, इसमें होता है हमारा कांच, ठीक है, कांच, रबड़ और प्लास्टिक, ठीक है, ये हमारे तीन उदाहरण हो गए। उसके बाद आदि ऐसे कई तरीके के होते हैं, मैंने आपको तीन जो आसान भी हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, अकृष्टले ठोस को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी स्पष्ट दीजिए। मैंने आपको उदाहरण भी अच्छे से समझा दिया और इसकी परिभाषा भी समझा दी। तो आई होप आपको यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपकी तरह और भी विद्यार्थी 95+ टारगेट ला सकें।